नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर सहरसा से है, जहां एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर सदर थाना पुलिस को लगातार अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल रही है। वहीं एक बार फिर एसपी को मिली गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई कर सदर थाना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को हथियार व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जो किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी लिपि सिंह ने बताया कि बुधवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सहरसा बस्ती स्थित मोहम्मद समीम के लॉज में बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने बड़ी संख्या में अपराधी हड़वे हथियार से लैस होकर एकत्रित हुए हैं। प्राप्त सूचना के सत्यापनोपरांत प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत भारती व सदर एसडीपीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार, पुलिस पदाधिकारी ब्रजेश कुमार चौहान, धन बिहारी मिश्रा, मालेश्वर यादव, विनोद मणि दिवाकर, अशोक सिंह सहित अन्य पुलिस बल व पैंथर जवानों द्वारा छापेमारी की गई। भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर अपराधी मौके से भागने लगे, जिसमें से 9 अपराध कर्मियों को खदेड़ कर पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 3 फरसा, 4 तलवार, 1 खुखड़ी सहित 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सरसा बस्ती में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे अपराध कर्मी कुछ अपराध करने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी भुवनेश्वर निशिकांत भारती और टाउन थाना अध्यक्ष के द्वारा रेड की गई। वहाँ से उनकी रेड के बाद अपराधी भागने लगे। भागने के क्रम में भी 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं मोहम्मद नसीम, मोहम्मद जैद, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सफकत अली, मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद समीम, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद जफर, 9 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है, 5 कारतूस, 2 देसी कट्टा, 5 मोबाइल, 4 तलवार, 3 फरसा और 1 खुखरी, साथ में 5 मोबाइल, 2 मैगजीन भी बरामद की गई है और साथ में 2 मोटरसाइकिल, एक जिसमें एक हीरो होंडा और एक FZ5 है, उसको बरामद किया गया है। ये इन्होंने कन्फेस किया है कि ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे, छिनतई वगैरह और भी जो क्राइम है, इनको इसके लिए इंगेज किया जाता था। इतने भारी मात्रा में हमने अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है और काफ़ी एम्युनिशन और आर्म्स भी मिला है। तो मुझे लगता है कि जो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं लूट छिनतई की, उसमें डेफिनेटली इनके अंदर होने से रोकथाम लगेगी। आपराधिक इतिहास भी रहा है इन लोगों का, क्या आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, उसको खंगाला जा रहा है।